नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील विष्णु आपके साथ। अपन राजस्थान हिस्ट्री में कर रहे थे मेवाड़ का गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश में अंतिम अपने शासक पड़ा था महाराणा जगत सिंह प्रथम, और महाराणा जगत सिंह प्रथम के जो उत्तराधिकारी बने थे वो थे महाराणा राज सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न पूछ ले कि महाराणा राज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराणा राज सिंह उपाधि थी विजय कटकातु। विजय कटकातु पूछ ले समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब ने आपको बताया कि औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था जिसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी, और पूछे इस धार्मिक कट्टरता की नीतियों का विरोध करने वाला उत्तर भारत का एकमात्र शासक महाराणा राज सिंह। और महाराणा राज सिंह ने एक प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी, राज प्रशस्ति। जो पूछ ले संस्कृत भाषा में लिखी गई सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी, राज प्रशस्ति। लेखक कौन, रणछोड़दास भट्ट तेलंग। पूछ ले किस झील का निर्माण, तो झील का निर्माण करवाया था राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण। दूसरा अपन यहीं से पूछा जाए, पूछ ले किस मंदिर का निर्माण, तो कांकरोली में करवाया था इन्होंने द्वारकाधीश मंदिर, और श्रीनाथ जी की मूर्ति लगवाई थी कहां पर, नाथ द्वारा में। इंपॉर्टेंट पर्सन है सारे, तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों। आज अपन आगे से महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह पूछ ले दोस्तों उपाधि, उपाधि तो उपाधि थी दोस्तों विजय कटकातु। विजय कटकातु पूछे कि निर्माण प्रथम, पहला इन्होंने निर्माण किया था कांकरोली। पूछ ले कांकरोली कहां पर है वर्तमान में, तो कांकरोली दोस्तों राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश, द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण, द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण। दूसरा पूछा जाए दोस्तों, तो नाथ द्वारा पूछ ले कि नाथ द्वारा का प्राचीन नाम, तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था दोस्तों सिंहाड़। सिंहाड़ में पूछ ले किसकी मूर्ति लगवाई थी, श्री नाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाई, प्रतिष्ठापित करवाई। तीसरा इनकी रानी राज सिंह की रानी, रानी का नाम था दोस्तों राम रसदेन, राम रसदेन जया बावड़ी, जया बावड़ी। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। पूछ ले स्थापना, तो स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों राजसमंद में, राजसमंद में राजनगर कस्बे की स्थापना। पूछ ले कि झील का निर्माण, कौन सी झील का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों झील बनवाई थी इन्होंने गोमती नदी के पानी को रोक कर राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद झील का
निर्माण। पूछे इसकी प्रमुख विशेषता, पूछे आकृति, राजसमंद झील की आकृति। तो दोस्तों इसकी आकृति कैसी आकृति है? दोस्तों धनुषाकार। राजसमंद झील की आकृति कैसी? धनुषाकार। पूछ ले कि प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति? तो इन्होंने प्रशस्ति उत्तीर्ण करवाई थी दोस्तों राज प्रशस्ति, उत्कीर्ण करवाई। पूछे कहां पर राज प्रशस्ति की स्थिति क्या है? तो राजसमंद झील की उत्तरी पाल पर। उत्तरी पाल पर। पूछ ले रचयिता या लेखक, लेखक। तो दोस्तों इसके लेखक है रणछोड़ दास भट्ट तेलंग। रणछोड़दास भट्ट तेलंग। पूछे एक वर्णन, वर्णन किसका है? तो दोस्तों वर्णन महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास। मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास। पूछ ले के भाषा, तो भाषा है दोस्तों इसकी संस्कृत। भाषा संस्कृत। पूछे के विशेषता, विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों विशेषता। पूछे कि संस्कृत भाषा में रचित सबसे बड़ी प्रशस्ति। तो संस्कृत भाषा में रचित सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी? राज प्रशस्ति। दूसरा और देखा जाए, पूछ ले कितने शिलालेखों उत्कीर्ण? तो यह है प्रशस्ति 25 बड़े शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। 25 बड़े शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ ले इस पर, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख। पूछ ले कि किस प्रशस्ति में महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख है? तो महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख दोस्तों राज प्रशस्ति। देखिए फिर आगे चलते हैं अपन। अपने दिन कर रहे हैं दोस्तों महाराणा राज सिंह। चलें आगे दोस्तों। पूछ ले कि महाराणा, महाराणा राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह। तो महाराणा राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन दोस्तों? औरंगजेब। मुगल बादशाह
औरंगजेब, औरंगजेब अपनाई थी कौन सी नीतियाँ दोस्तों? धार्मिक कट्टरता की नीतियाँ, धार्मिक कट्टरता की नीतियाँ। महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी। इसको सुधार करना थोड़ा वापस। मुगल बादशाह औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी। महाराणा औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की इस नीति का विरोध किया था, इस नीति का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछ ले उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा शासक जिसने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीतियों का विरोध किया था, कौन दोस्तों? महाराणा राज सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीतियों का विरोध करने वाला उत्तर भारत का एकमात्र शासक महाराणा राज सिंह थे। उत्तर भारत के एकमात्र शासक महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह ने जब इसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, तो महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कार्य शुरू करवाया था। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की इन नीतियों के विरुद्ध मेवाड़ मुगल संधि का विरोध, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। औरंगजेब क्या है? किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह, और रूप सिंह की पुत्री थी चारुमती। चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती विवाह नहीं करना चाहती थी औरंगजेब के साथ। वो चाहती थी कि मैं मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूं। तो चारुमती ने राज सिंह से अनुरोध किया कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, और राज सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। तो औरंगजेब ने धार्मिक रक्षार्थ विवाह किया था किसे? चारुमती से। पूछे राजस्थान का एकमात्र धर्म रक्षार्थ विवाह कहा जाता है, तो वो कौन सा? महाराणा राज सिंह वे चारुमती का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महाराणा राज सिंह ने महाराणा
राज सिंह ने धर्म रक्षार्थ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह किया था। चारुमती से विवाह किया था। इसी समय क्या औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को कैद करके रखा था और अजीत सिंह को कैद से मुक्त करवा के लेकर आया था मेवाड़ के स्वामी भक्त वीर दुर्गादास राठौड़। और जब दिल्ली से उसको कैद से मुक्त कराया था, पूछा एक प्रथम बार अजीत सिंह को कहां पर छुपा कर रखा गया था, मेवाड़ में। और मेवाड़ में उसको शरण देने वाला कौन, महाराणा राज सिंह। और राज सिंह उसको लालन पालन के लिए एक जागीर सौंपी थी केलवा की। इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ शासक अजीत सिंह को शरण प्रदान की थी तथा अजीत सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की थी। केलवा की जागीर प्रदान की थी। ये था दोस्तों महाराणा राज सिंह का इतिहास। इस मनी महाराणा राज सिंह के समय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा हाड़ी रानी। तो हाड़ी रानी कौन थी, सहल कंवर। उस सहल कंवर के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। सहल कंवर पूछ लेगा है कौन सहल कंवर। सहल कंवर तो सलुम्बर शासक राव रतन सिंह की पत्नी। पूछ ले कि पुत्री किसकी, तो बूंदी शासक संग्राम सिंह की पुत्री। पूछ ले दोस्तों इंपोर्टेंट है उपनाम कहा जाता है दोस्तों हाड़ी रानी। पूछ लेगा हाड़ी रानी कहा जाता है, हाड़ी रानी किसको, सहल कंवर को। किसकी पत्नी, राव रतन सिंह की पत्नी और बूंदी शासक संग्राम सिंह की पुत्री। जब युद्ध लड़ने जा रहे थे रतन सिंह, तो रतन सिंह क्या नया नया विवाह हुआ ही था, तो उसको बहुत ज्यादा याद आने लगी किसकी, सहल कंवर की। तो बोला कि प्रस्ताव भिजवाया गया कि आपको वो ज्यादा याद कर रहे हैं। तो सहल कंवर ने क्या है, सेतरानी थी और अपना सिर काट कर भिजवा दिया था किसके पास, रतन सिंह के पास। इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसको हाड़ी रानी। तो ये अपन आज जितना भी पढ़ा है दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा है महाराणा राज सिंह के बारे में। पूछ ले महाराणा राज सिंह का उत्तराधिकारी, तो महाराणा राज सिंह का उत्तराधिकारी बने थे दोस्तों महाराणा जय सिंह। तो अगला अपना दिन करते दोस्तों महाराणा जय सिंह के बारे में। देख लो, लिखना चाहो तो फिर आगे चलते अपन। चले दोस्तों आगे। महाराणा राज सिंह महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने औरंगजेब का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था। अब अपन चलते हैं दोस्तों महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह। पूछे दोस्तों निर्माण करवाया था दोस्तों गोमती नदी के पानी को
रोक कर जय समंद झील का, जय समंद झील का। पूछ ले दोस्तों, झील का अन्य नाम, अन्य नाम, तो अन्य नाम इसको कहा जाता है दोस्तों ढेबर झील, ढेबर झील। पूछे राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी झील, जैसमंद। इसी के बारे में दिल करना दोस्तों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसमंद झील राजस्थान में मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पूछ ले इस झील में कुल टापू, कुल कितने टापू बने हुए हैं, तो कुल टापू बने हुए दोस्तों 7 टापू, 7 टापू। पूछ ले कि सबसे बड़े टापू का नाम, तो सबसे बड़ा टापू है दोस्तों बाबा का भागड़ा, बाबा का भागड़ा। और यही पूछ ले दोस्तों सबसे छोटे टापू का नाम, तो दोस्तों सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। पूछ ले इन टापुओं पर कौन निवास करते हैं, टापुओं पर आदिवासी लोग, आदिवासी लोग निवास करते हैं। ये थे दोस्तों महाराणा राज सिंह। पूछ लेगी जैसमंद झील का निर्माण करवाया था, जैसमंद झील का निर्माण कराने वाला महाराणा राज सिंह। पूछ ले इस झील का दूसरा नाम ढेबर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी पानी की कृत्रिम झील, मीठे पानी की सबसे बड़े मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील। कुल टापू 7, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है दोस्तों प्यारी। पूछ ले इनके उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी बने थे दोस्तों महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो अगला अपन जो अध्ययन करते हैं दोस्तों महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने पूछ लिया किनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित, इन्होंने आंबेर के कछवा शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवरी और चंद्र कुंवरी का विवाह करवाया था सवाई जय सिंह के साथ। इंपॉर्टेंट को याद रखना दोस्तों, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने आमेर के कछवाहा शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, स्थापित किए थे। इंपॉर्टेंट को याद रखना है, अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह आमेर
शासक सवाई जय सिंह के साथ किया था, सवाई जय सिंह के साथ किया था। ये अपने पढ़ा दोस्तों महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में। नेक्स्ट जो अपन साथ देखते हैं अमर सिंह द्वितीय के बारे में की जो महत्वपूर्ण घटना, तो जोधपुर के जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, अजीत सिंह ने क्या वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था। तो पूरे वीर दुर्गादास राठौड़ ने सबसे पहले किसके पास में शरण ली थी, अमर सिंह द्वितीय के पास। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मारवाड़ के स्वामी भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ को, वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण प्रदान की थी, शरण प्रदान की थी। ये अपने पढ़ा दोस्तों महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में। अगला जो अपना वीडियो रहेगा उसको अपने इसके उत्तराधिकारी पढ़ेंगे। अपने शुरू किया था राज सिंह से, राज सिंह के बाद में पढ़ा जय सिंह, और जय सिंह के बाद में पढ़ा अमर सिंह द्वितीय। आज जितना भी पढ़ा है दोस्तों इसको एक बार रिवाइज करिए, जब भी समझ में नहीं आता पुनः वीडियो को देखिए और लगातार जुड़े रहिए। अपन अभी यहाँ से एक और महत्वपूर्ण घटना है जो स्टार्ट होगी, अगला शासक अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, उसके बाद में जगत सिंह द्वितीय, उसके बाद में पढ़ेंगे महाराणा भीम सिंह। धन्यवाद दोस्तों।